और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है, हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय यह ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी उसका लाभ बहुत से परिवारों को और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी। और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है। राशि की दरें अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, और इसके अलावा दिव्यांग जो हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, खिलाड़ी बेटियां हैं उनकी शादी, तो ऐसे ही 31,000 रुपये से लेकर के और 71,000 रुपये तक की राशि ऐसी उनकी बेटी के समय ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो परिवार ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं, उन परिवारों में भी हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं, और उस खुशी में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों महीने ये जो राशि है मिलती नहीं थी। लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है, और प्रोएक्टिव करने के बाद शादी के समय जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं, तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं, ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था, यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई, और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। यहाँ के समाज को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को बचाना है। और उस अभियान के बाद सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स वो एक्टिव हुए, समाज में भी एक चेतना आई, परिवारों में भी चेतना आई, और बेटियों को जो पहले बोझ माना जाता था, बेटी के पैदा होने पर भी खुशियां मनाई जाने लगी। जो कुछ इस प्रकार के परिवार थे, गर्भ में ही बेटियों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के और वो प्रयोग करते रहते थे, उनके ऊपर भी सख्ती की गई। कुछ हमारे जो अल्ट्रासाउंड करा करके और कई जगह क्लिनिक डॉक्टर्स पर भी इस प्रकार का जो कुकृत्य किया जाता था उनके खिलाफ भी बहुत सख्ती ये उपयोग की गई, और परिणाम स्वरूप जो हमारा जेंडर रेशो था, जन्म दर जो लिंग अनुपात जो बढ़ करके 2014 में 851 से और हमारे यहाँ अभी 923 भी ये जेंडर रेशो टच कर गया है। बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अब बेटी को घर में बोझ ना मान करके बल्कि उसके जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह खुशियां मनाई जाती हैं, कुएं पूजन होते हैं, छत पर चढ़ करके थाली भी बजाई जाती है, बेटियां भी उतना ही एक प्रकार से प्यार पाती हैं जितना बेटे पाते हैं।
ये इसके अंदर समाज का जो योगदान है मैं उसकी भी सराहना करता हूँ। हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे एनजीओज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग, ये भी उस अभियान में जुटे हैं। धापाताई नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ इसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं समाज के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। इसी प्रकार हमने एक जो पहले से योजना चल रही है आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत इस स्कीम को वहाँ जब पैसे जमा होते हैं 18 वर्ष की आयु होने के बाद ये 1,00,000 रुपया बेटी जब शादी योग्य हो जाती है उस समय ये पैसा वापस मिलता है। तो परिवार के लोगों को इसकी भी एक प्रकार से सुविधा होती है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू की जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता बेटियों के नाम से खुलता है और वो 250 रुपया इससे ऊपर वर्ष भर में जितनी राशि जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस राशि पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी मिलता है, साथ में जुड़ता है। और ये राशि जो ब्याज की इसके में लाभ होता है उसको 80G के अंतर्गत आयकर से भी छूट मिलती है। बेटियों को बड़ा होने के पर पढ़ाई की चिंता भी हम करते हैं। पढ़ाई की चिंता में हमने पिछले वर्षों में हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले उन 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए, इस योजना में उनके पढ़ाने की जो हमारी योजना थी उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और लड़कियां पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, वो चाहे सेना में भी महिलाएं जाने लगी हैं, खिलाड़ी इस नाते से तो बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वो आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से बेटियों का योगदान ये बेटों से कम नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ाई के समय ITI में जाने वाली बेटियां उनको भी मासिक वजीफा ये शुरू किया है और जो बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं उनके लिए MA क्लासेज यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक सब बेटियों की फीस माफी ये भी हमने की है। चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ती है अथवा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी बेटी की कोई फीस नहीं लगती है। हमें इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इन बेटियों को जब यातायात के लिए यानी पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। तो ऐसे हमारी जो यात्रा परिवहन सुरक्षा इसके लिए रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं ताकि उनका स्वस्थ शरीर उनका स्वस्थ रहे। उनको आयरन टेबलेट्स और अन्य दवाइयाँ ये मुफ्त में दी जाती हैं। BPL परिवार की जो हमारी बेटियां हैं, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, इनको मुफ्त में सैनिटरी पैड, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये सब चलाए गए हैं ताकि इनको स्वास्थ्य का भी लाभ हो। स्कूलों में सैनिटरी पैड ये मुफ्त में इनको दिलवाए जाते हैं। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि बेटियों के उत्थान के लिए जो काम जितने आवश्यक थे हमने इस समय में पिछले 8.5 वर्ष में पर्याप्त मात्रा में किए हैं, तो भी जितना काम किया जाए उतना कम है। और भी बेटियों की सुरक्षा, सुरक्षा शिक्षा स्वास्थ्य इस सारे पर भी हम आगे ध्यान देंगे। उनको स्वावलंबी वो बने, स्वाभिमानी बने, इस नाते भी चाहे व्यवसाय के अंदर उनकी आवश्यकता होगी उसके लिए अलग से योजनाएं बनाएंगे तो बेटियां आगे बढ़ें, यही मैं कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। मेरी एक अपील आपसे जरूर रहेगी कि बेटियों के शादी में जो आवश्यक खर्च है वो अवश्य करें, लेकिन एक प्रथा जो हमारे समाज के अंदर बहुत कुरीति की तरह फैली थी वो है बेटियों की शादी में दहेज देना। तो दहेज देना शायद मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन जहां हमारी बेटियां हैं वहां हमारे बेटे भी हैं, हमारे परिवारों में बेटे बेटियां सब हैं। तो जब बेटे वाले परिवार इस बात का संकल्प लेंगे कि बेटी के विवाह में कहीं भी शादी में जो
दहेज को नहीं लिया जाएगा, दहेज प्रथा को बंद किया जाएगा, तो इससे बेटियों का भी सम्मान बढ़ेगा। बेटी चाहे हमारे अपने परिवार की बेटी है या हमारे घर में आने वाली बहू है, उन सब का सम्मान, इसकी चिंता हम करेंगे। इस अपील के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम को आपने सुना, सीएम ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। गरीब बेटियों के विवाह को लेकर सीएम बात कर रहे थे। सरकार की योजना का सीएम इस दौरान जिक्र कर रहे थे। बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं। लिंगानुपात को लेकर सरकार ने बेहतरीन प्रयास और काम किया है। गरीब बेटियों के विवाह के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। बेटियों का कन्यादान क्योंकि महादान होता है। तो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का बड़ा फायदा गरीब परिवारों को मिला, गरीब परिवारों की बेटियों को मिला है। तो एक समय वो था जब लिंगानुपात के मामले में हरियाणा की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन हमने प्रयास किए और उसका परिणाम भी मिला है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी बेहतर परिणाम सामने आया है। तो पिछले 8 सालों में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का आंकड़ा भी सीएम की ओर से सामने रखा गया। पहले 2 बेटियों वाले परिवार को फायदा मिलता था, अब परिवार की सभी बेटियों को योजना का फायदा मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम मनोहर लाल को आपने सुना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना को लेकर बात कर रहे थे। योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद सीएम मनोहर लाल का। वर्चुअल संवाद के जरिए सीएम ने सरकार की इस योजना को लेकर विस्तृत बात की। तो 8 साल में 2,58,000 बेटियों के विवाह के लिए राशि दी गई।